This is my first LG16. So this is the unboxing thing. Charging socket and then now ये अपने कार की चीज है कुछ और इसका नाम कुछ इसका पीएम चेक ये वो तक बैटरी कुछ और नाम ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज को तो आपने देखा कि मैंने ज़्यादा बताया नहीं था अनबॉक्सिंग के अंदर कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, और ज़रा आप लोकेशन देख लीजिए कि मैं किस लोकेशन पे हूँ। तो आप सोचोगे अचानक से ये मैं घर से कहाँ घर से निकल करके कहाँ आ गया। तो मैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए बाहर आया हूँ और देखने के लिए कि इसका जो जायरो सेंसर जो है कैसे काम करता है। अभी आप लोग जो क्या नाम से वीडियोस जो देखोगे जो क्लिप्स जो देखोगे वो मेरे पुराने वाले कैमरा मतलब प्रोकस रश 2.0 और इसके SJ कैम लेजेंड 6 के ऊपर होगी। तो आप लोग मुझे बताना कि आपको कौन सी क्लिप ज़्यादा अच्छी लगी, और ये दोनों कैमराज मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक बिगनर यूट्यूबर हैं तो आपको बिगनिंग मोटो ब्लॉग सेटअप के लिए आपको ये दोनों कैमराज बहुत अच्छे रहेंगे, और आप इन दोनों को मैं ये दोनों कैमरेज आपको रिकमेंड करता हूँ। और अभी थोड़े से आप सिनेमैटिक शॉट्स देख लीजिए कि कैसा लग रहा है ये। तो गाइस ये है मेरा प्रोकस रश 2.0 एंड दिस इज फॉर 16 मेगापिक्सल रिकॉर्ड स्टिल 4K एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा कैमरा है, मतलब स्टेबलाइजेशन भी नहीं है और वाइड एंगल भी नहीं है। तो मेरे को तो इसके एंगल के बारे में पता है तो इसलिए मैं जानता हूँ कि इसी एंगल पे ये मेरे को शूट कर पा रहा होगा, और आगे वाली क्लिप आप इसकी देखेंगे। तो अब बात करें अपन इस SJ Cam Legend 6 की, तो इसके अंदर जायरो स्टेबलाइजेशन है प्लस आपका वाइड एंगल है, और वाइड एंगल के साथ साथ आपके बहुत मतलब आपको जो शूटिंग रेंज जो है मतलब जो बिटरेट जो है आपको वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। SJ6 का 4K एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड का आपका
आपको ये रिकॉर्डिंग करके दे सकता है, मगर 4K में कोई आजकल रिकॉर्ड करता है नहीं। तो आपके लिए जो बेस्ट जो बिटरेट है दैट इज 1080p एट 30। अगर आपको मतलब चाहिए कि मतलब हाँ अच्छी क्वालिटी हो तो 30, और अगर उससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो 60 फ्रेम्स पर सेकंड आपके लिए है। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे, और मैंने आपको बताया नहीं था, सॉरी, अभी टाइम जैसे आप देख रहे हैं 6:34 हो रहे हैं, तो शाम के 6:30 बज रहे हैं, और मेरे को उस टाइम पे काम आ गया था, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद करके और मैं घर पे आ गया था मैं। और फिर बाद में मेरा जैसे वो काम ख़त्म हुआ तो मेरे इसके एक्सटर्नल माइक भी आ गया। तो अब आप मेरे को बताइएगा कि ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लग रही है, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ही मतलब ऐसा विंडी सा लग रहा, मतलब विंड ब्लास्ट बहुत आ रहा होगा, क्योंकि उसमें उस टाइम पे मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर रहा था ही नहीं मेरे पास डिलीवर। अभी मेरे को शाम मतलब दोपहर में 12:30 के आसपास हुआ था, तो 12:30 बजे मैंने इसको हेलमेट में सेट करा, और अभी मैं इसमें, ये मेरा फर्स्ट टेस्ट है इस एक्सटर्नल माइक का, तो आप मेरे को बताइएगा कि वॉइस क्वालिटी कैसी है। और मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर मैं आपको इसका हेलमेट सेटअप बताऊंगा कि मैंने इसमें हेलमेट सेटअप कैसे करा है। एंड आई थिंक ये नट थोड़ा सा लूज हो गया है, तो खैर वैसे एनीवेज, तो आप मेरे को बताइएगा कि आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको सेकंड ब्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कहीं अच्छी जगह पे भी चलेंगे अपन, प्लस मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एक बिगनर यूट्यूबर हैं तो आप हेलमेट के अंदर कैमरा कैसे माउंट कर सकते हैं। और मैंने क्या क्या मेरे हेलमेट, मैं कौन सा हेलमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैंने कैसे इसको सेटअप करा है, ये सारा मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में बताऊँगा तो अगर आपको ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो और आपने इतना देख लिया है ये व्लॉग, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब ऑल्सो अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट राउंड।